महोदय, इस दुनिया में तीन तरह के लोग होते हैं। एक वो जो कोई भी परिस्थिति हो सत्य बोलते हैं, सत्यवादी हरिश्चंद्र। एक वो जो हमेशा सत्य बोलते हैं, कभी कभी मजबूरी में असत्य बोलते हैं, नरोवा हस्ती, धर्मराज युधिष्ठिर। एक सामान्य नागरिक होते हैं जो मजबूरी में सत्य भी बोलते हैं, कभी कभी असत्य भी बोलते हैं। 2013 के बाद इस देश के राजनीतिक परिवेश में एक नया प्राणी उदय हुआ है जो गीता पर शपथ लेकर कहता है कि मैं झूठ बोलता हूँ, झूठा ही बोलूंगा और झूठा ही बोलता रहूंगा, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। अध्यक्ष महोदय, 2014 में जब यह पार्टी सरकार में आई थी तो दिल्ली के व्यापारियों ने बड़े समर्पण भाव से इसका समर्थन किया था। दिल्ली के व्यापारियों के साथ इन्होंने एक बैठक की। बैठक में दिल्ली के व्यापारियों को कुछ सपने दिखाए। क्या थे वो सपने? हम रेडी टू यूज एंड शिफ्ट मार्केट बनाएंगे। 2014 एक भी मार्केट नहीं बना। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली के सारे बाजारों को मॉडल बाजार बना देंगे। एक भी बाजार मॉडल नहीं बना। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली के बाजारों को, क्योंकि लोडिंग और अनलोडिंग नहीं होती है, हम रिलोकेट करेंगे। एक भी बाजार रिलोकेट नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली में बिजली का बिल कम करेंगे। सच्चाई यह है कि कमर्शियल का बिल दिल्ली में सारे अधिभार को छोड़ करके सबसे अधिक है, पूरे देश में सबसे अधिक है। 9 रुपए से लेकर के 14 रुपए तक का बिल देना पड़ता है। इन्होंने कहा हम दिल्ली में आएंगे तो दिल्ली का विकास कराएंगे। 9 साल के इतिहास में अगर नितिन गडकरी न होते तो इन्होंने एक भी फ्लाईओवर दिल्ली में नहीं बनवाया है। इन्होंने दिल्ली के व्यापारियों से कहा 10 मिनट की बारिश में आपके यहाँ पानी लगता है, हम इसका इलाज कर देंगे। आज की स्थिति यह है कि 10 मिनट तो दूर, 2 मिनट भी पानी बरस जाए तो पुरानी दिल्ली पानी में डूब जाती है। इन्होंने कहा कि हम आपके हाउस टैक्स को चुप रहो। इन्होंने कहा कि हम हाउस टैक्स को कम करेंगे। सच्चाई क्या किया इन्होंने? कमर्शियल टैक्स को 3 गुना किया। और उपसभापति महोदय, यह अकेला राज्य है जहां व्यापारी कमर्शियल टैक्स भी देता है और अपने दुकान के सामने का कूड़ा उठाने के लिए 500 रुपए से लेकर के 5000 रुपए तक का शुल्क भी अदा करता है। इन्होंने वादा किया था कि हम झोपड़ी झुग्गी वालों को पक्का मकान बना के देंगे। सच क्या है? भारत सरकार ने करोल बाग में 8000 मकान बनाए और शिफ्ट किया। जब इनको मालूम हो गया कि झोपड़ी झुक्के वाले इस पक्के मकानों में चले जाएंगे तो हम इनका शोषण करके इनका वोट नहीं ले पाएंगे, तब से लेकर आज तक इन्होंने भारत सरकार को दिल्ली में झोपड़ी झुग्गी के पक्के मकानों बनाने के लिए एनओसी तक नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने वादा किया था कि हम दिल्ली के 351 सड़कों को रेजिडेंशियल की जगह पर कमर्शियल परमिशन देंगे। सच यह है कि आज 9 साल हो गया, एक भी सड़क को इन्होंने रेजिडेंशियल से कमर्शियल में बदलने का काम नहीं किया। जब अभी चुनाव हो रहा था एमसीडी का, एक मुख्यमंत्री गाजीपुर के पहाड़ पर जाता है, कुतुब मीनार की ऊंचाई पर चढ़ता है, कहता है दिल्ली कूड़े से डूबी हुई है, एमसीडी हमको दे दो, हम दिल्ली से कूड़ा खत्म कर देंगे। और सच्चाई क्या है? बजट में व्यवस्था करने के बाद कितनी क्रूर है यह दिल्ली सरकार। इसने अपने ही एमसीडी के लोगों से कहा, हमने बजट में व्यवस्था की होगी लेकिन जो व्यवस्था 850 रुपए करोड़ की कूड़े को हटाने के लिए की है वो हम तुमको नहीं देंगे। अपने ही सरकार को इन्होंने पैसा नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा था कि दिल्ली में व्यापारिक विस्तार करने के लिए हम झोपड़ी और हम ट्रेड फेयर लगाने का काम करेंगे। दिल्ली के व्यापारी आज भी इंतजार कर रहे हैं कि दिल्ली में कोई ट्रेड फेयर लगाने का काम ये लोग कर सकें। इन्होंने कहा था कि हम दिल्ली की यातायात व्यवस्था को बेहतर करने के लिए रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम लाएंगे। 700 करोड़ रुपया खर्च करना था। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा विज्ञापन पर 1100 करोड़ खर्च करने वाली ये सरकार दिल्ली के यातायात पर 700 करोड़ रुपए तक नहीं खर्च कर पाई। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने इस प्रकार से दिल्ली के लोगों को धोखा दिया तो किया क्या? मैं बैठा था कोपू की बैठक में, अमर पटनायक जी हमारे मेंबर थे, उन्होंने कहा जल्दी जाइए, दिल्ली डूब रही है, पानी लग गया।
मैं उठ करके भागा, मैं वेस्टर्न कोर्ट में रहता हूँ, वहां पहुंचा। वेस्टर्न कोर्ट में पीने के लिए पानी नहीं था। मैंने पूछा ऐसा क्यों, बोला वजीरपुर सेंटर डूब गया, इसलिए पूरे दिल्ली को पीने का पानी नहीं मिलेगा। कैसी शर्मनाक स्थिति पैदा कर दी। पहली बार अध्यक्ष महोदय 2019 में 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था और दिल्ली में कोई भी बाढ़ नहीं आई थी। इस साल सिर्फ 3,59,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया और पूरी की पूरी दिल्ली डूब गई। इसलिए डूब गई कि इन्होंने काम भी नहीं किया। 2 साल तक सिंचाई विभाग की बोर्ड की इन्होंने बैठक नहीं की। बैठक की डेट तय की, दिल्ली ने मुख्यमंत्री ने आने का वादा किया, मुख्यमंत्री गायब हो गया, दूसरी महिला मंत्री पहुंची वो भी गायब हो गई। आज तक इन्होंने दिल्ली को यमुना के बाढ़ से रोकने के लिए 9 साल की सरकार हो गई, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की। इन्होंने किया क्या, परिवहन बस घोटाला किया। इन्होंने किया क्या, उपराज्यपाल ने अभी 437 लोगों को निकाला है। कोई सलाहकार था, कोई रिसर्च फेलो था, कोई विशेषज्ञ था, कोई रिसर्च एसोसिएट था, कोई कंसल्टेंट था, और वास्तव में क्या था, कोई किसी विधायक का आसपास का था, उसका भाई था, कोई किसी मंत्री का रिश्तेदार था, कोई आप पार्टी का कहीं का कन्वेनर था। ऐसे ऐसे लोगों को इन लोगों ने आरक्षण के सारे नियमों को धता बताते हुए बिना प्रॉपर तरीके से 60,000 से लेकर के 1.5 लाख तक रुपए तक की मासिक वेतन पर रखने का काम किया। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली के 150 ऐसे चौराहे हैं अध्यक्ष उपसभापति महोदय, जहां अगर आप जाएंगे तो आदमी अपने हाथ में तख्ती लेकर खड़ा रहता है दिल्ली के सरकार की उपलब्धियों को बताने के लिए। एक एक चौराहे पे 4-4 आदमी, उनको तनख्वाह दी जाती है 20,000, लेकिन चेक से दिया जाता है 4,000। ये 16,000 रुपया ये लोग उसको कहां से पैसा लाके देते हैं। शायद अगर ये बताते तो बहुत बेहतर होता। और अध्यक्ष महोदय, जिसका सबसे बड़ा ढिंढोरा पीटते हैं, मोहल्ला क्लिनिक, अभी कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री आए थे, इनके स्वास्थ्य मंत्री के साथ अभी वो एक मोहल्ला क्लिनिक देखने गए थे। देखने के बाद उन्होंने एक ट्वीट किया, वो ट्वीट आज भी उस मंत्री के ट्विटर हैंडल पर मौजूद है। और क्या लिखा उन्होंने, विजिटेड ए मोहल्ला क्लिनिक इन दिल्ली विद हार्डली एनी पीपुल देयर, एक आदमी भी वहां नहीं था। आवर क्लिनिक इन कर्नाटका है मोर फैसिलिटीज इंक्लूडिंग लेबोरेटरीज टू बी इमीडिएटली टेस्टेड, यानी वहां पर हमारे कर्नाटक में ऐसी लेबोरेटरीज हैं जो तुरंत जांच कर लेते हैं। और आगे क्या लिखा, आई गेस इट इज ए ओवर हाइप्ड स्टैंड एंड आई कम बैक फीलिंग डिसअपॉइंटेड, यानी इन लोगों ने छोड़िए उन्हें मैडम, यानी नो कमेंट, उन लोगों ने ये कहा कि इन लोगों ने सिर्फ शब्द बयानी की है, झूठ बोला है, मुझे तो यहां से बहुत निराश होकर जाना पड़ेगा।